नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग दोस्तों अभी मैं बात करूंगा यस बैंक का क्योंकि दो तीन दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यस बैंक जो है वो डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन में है वो नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है सत्रह रुपया तक गया था ये और उसके बाद से ये नीचे ही चला आ रहा है तो हमारे बहुत से दोस्त जिन्होंने यस बैंक का शेयर लिया हुआ है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें बेचें या हम और एकुमुलेट uh, करें क्या करें तो आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि तो जो मैं इसका आकलन कर पा रहा हूँ वही मैं जो अपनी जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यस बैंक के बारे में बताना ये चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है ये अपने बिल्कुल बॉटम के आसपास है मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे गिरा है या और भी नीचे गिरेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा ये क्योंकि इसमें क्या है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यस बैंक का जो भी कचड़ा था पचास हजार करोड़ का जो इसका एनपीए वगैरह था वो सब राइट ऑफ कर दिया है एस ने और अब इसको कुछ दिग्गज बैंक मिलकर के चला रहे हैं जैसे मैंने पहले भी बताया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आईसीआईसीआई बैंक है एस है आपका आई फर्स्ट बैंक है बंधन बैंक है तो छोटे बैंक भी हैं बड़े बैंक भी हैं एस आपको पता है कि वो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक है तो ये सब मिल करके अब इसके पीछे में लगे हुए हैं इसके मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं और इनका इसका जो इक्विटी है ये इन्होंने लिया हुआ है दस रुपये के रेट पे तो अब आप ये जान जाइए कि इसका बेस्ट प्राइस तो दस रुपया है इससे नीचे तो खैर ये लोग जाने नहीं देंगे अगर नीचे जाने की बात होगी तो लोग खुद खरीदना शुरू कर देंगे आपको पता है और इसमें मैं पीछे से ये लोग चला रहे हैं कहने का मतलब मेरा ये है कि इन लोगों ने काफी क्वांटिटी में शेयर को लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि ये जो है उसको शेयर का जो प्राइस जो फॉल हो रहा है उसके ऊपर अपनी नजर तो रखेंगे ही रखेंगे तो इस कारण जो है ये बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर ये जाएगा तो दो रुपये और नीचे आ सकता है ढाई रुपये और नीचे आ सकता है तो उस लेवल पे ये एक अच्छा बाई हो सकता है यश बैंक येस yes, बैंक जब पिछले बार जब इसने एफ निकाला था और उसके बाद बारह रुपये के भाव पे और उसके बाद ये जब ग्यारह रुपया के रेट पे चला गया था तो आप याद कीजिएगा कि जिस दिन इसने लो बनाया था उसी दिन भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने कहा था कि अभी ये अपने बॉटम पे है इससे और नीचे नहीं जा सकता ये तो कहने का मतलब ये है कि इसका बॉटम जो है वही बारह रूपया से ग्यारह रुपया इसे ही आसपास इसका बॉटम है और अभी ये चौदह रूपये पे ट्रेड कर रहा है पूरे कंप्लीट लोअर सर्किट में है पचहत्तर पैसा आज आप देखेंगे तो एनएससी और बीएससी दोनों पे इसने जो है सो अः पचहत्तर पैसा आ, कम हुआ है ये तो ये अगर और इसको अगर देखेंगे तो कल ये करीब करीब साढ़े तेरह रुपया तेरह रुपया कुछ पैसा साठ पैसा कुछ इस तरीके से ये चला जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इसका फॉल जो मैं देख रहा हूँ वो एक दो दिन दो दिन तीन दिन और देख रहा हूँ उससे ज्यादा इसका फॉल नहीं होने वाला है और ये इस रेट पे एक अच्छा बैंक है जिसको कि आप खरीद सकते हैं और ये बैंक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद कर सकते हैं इस बैंक के शेयर को मतलब आप दो तीन साल तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं दो गुना तीन गुना पैसे के लिए चार गुना पैसे के लिए या फिर आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ये दोनों लिहाज से अच्छा बैंक है इसमें आप कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के भी लगा सकते हैं कुछ पैसा ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने बारह रुपया साढ़े बारह रुपए पे खरीदा था इस बैंक को और सत्रह रुपये पे बेच के निकल गए वो और उसके अगले दिन से इसके इसमें एलसी लगा तो लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो दोनों लिहाज से बैंक बढ़िया है इसमें अपनी पोजीशन भी बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से भी कीजिए कि अगर ये ऊपर नीचे अगर होता भी है तो आप इसमें कुछ पैसा कमा सके क्योंकि ये इस रेट पे इस प्राइस पे इसका वैल्युएशन काफी अच्छा है क्योंकि इस बैंक में जो भी साफ सफाई होना था वो बैंक हो गया अब ये बैंक बिल्कुल जीरो से हीरो बनने जा रही है तो ओबियस है कि इसके अंदर खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है और ये तो खैर अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है जल्दी आपने देखा ग्यारह साढ़े ग्यारह से सत्रह रुपये चला गया था अठारह तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये हाल हो रहा है लेकिन ये फिर ये ऊपर जाएगा दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी आने वाले टाइम में बैंक के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है सभी बैंकों के लिए इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी जितने भी बैंक है क्योंकि देखिए हमारे यहां या तो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं या हमारे पास जो है वो जो रजिस्टर्ड जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनको एनबीएफसी बोलते हैं नेशनल बैंकिंग फिनांस वाले जो बैंक हैं ये सारे जो बैंक हैं इन सब की हालत बहुत अच्छी नहीं है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन हाँ मैं एक बात ये बता दूं कि जब भी आंधी तूफान आएगा तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उखड़ेंगे वो गिरेंगे लेकिन ये जो यस बैंक वाला जो छोटा पौधा है छोटा पौधा मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर नहीं बोल रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इसका बहुत अच्छा है अभी जो बैंक फिर से जो शुरुआत कर रहा है जीरो से ये हीरो की ओर जा रहा है यानी जो बीज द्वारा बोया गया है फिर से जो ये पौधा निकल रहा है तो आंधी तूफान में इस बैंक को कुछ नहीं होना है क्योंकि ऑलरेडी जो खोना था ये बैंक खो चुका है तो जब बैंक का पूरा जब क्राइसिस आएगा तो सारे बैंक जो है वो धराशायी हो सकते हैं नीचे गिर सकते हैं मगर जो यस बैंक है इसमें बहुत ज्यादा बॉटम आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आज के डेट में आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट बैंक है वो आपका यस बैंक ही है क्यों क्योंकि तो दस तो इसका बेस्ट प्राइस है सारे बैंकों ने मिलकर लिया हुआ है बैंक भी जो है वो सब पीछे से देख रही है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एनपीए भी इसका निकल चुका है लगभग अब ये बैंक बहुत होशियारी से जो है सो आगे का कर्ज दे, दे रही है और दूसरी बात कि इसने अब जो एनपीए था उसको बहुत हद तक रिकवर करना भी शुरू कर दिया ये आपने सुना होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का जो हेडक्वार्टर है जाकर के इसने सील कर लिया उसको सीज कर दिया ठीक है और उसने इसने कहा कि भाई ये, ये जो है मैं इसको नीलाम करूंगा और मैं पैसे वसूल करूंगा तो अब ये अपने एनपीओ को भी जो है ये बैंक जो है वो कवर कर रहा है तो मेरी राय आप लोगों को ये रहेगा कि आप अभी एक दो दिन और रुक सकते हैं और जब ये बारह रुपये के आसपास पहुंचे साढ़े बारह के आसपास पहुंचे या तेरह के आसपास पहुंचे तो आप धीरे, धीरे 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 इसको एकमलेट करना शुरू करें और इसको बारह तेरह इगारह इस रेट पे इस बैंक को खरीदा जा सकता है और आगे आने वाले समय में ये फिर आपको अगर मान लीजिए पंद्रह सत्रह अगर आपने बारह पे भी खरीदा और पंद्रह पे भी चला गया तो आप समझिए कि कम से कम आपको बीस पच्चीस परसेंट का तो फायदा हो गया तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये बैंक अभी अच्छा है क्योंकि अभी ये ऊपर नीचे होता रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी बैंक अच्छा है क्योंकि अब इसकी हालत सुधरेगी तो इस बैंक में बिल्कुल ना डर हाँ वो बोल सकते हैं कि भाई जिसने जिन्होंने सत्रह रुपए पे लिया हुआ है वो बोल सकते हैं कि अब मैं क्या करूं तो देखो भाई ऐसा है कि सत्रह रुपए पे अगर आपने लिया है तो चौदह साढ़े चौदह तो आ ही गया कल साढ़े तेरह तेरह साठ आ जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका पैसा तो डाउन हो ही चुका है तो अब अगर आप सेल भी करना चाहोगे तो एल सी लोअर सर्किट चल रहा है अभी आप ये देख रहे हैं फोर पॉइंट ये जो है ये देखिए आप ये फोर पॉइंट जो है ये नाइन एट का जा रहा है ये ये देखिए तो ये तो ये देख रहे हैं आप फोर पॉइंट नाइन एट का जा रहा है तो ये तो है ये तो लग ही गया ये जो आप देख रहे हैं ये 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 तो आपका आ ही गया है जो है आ, पांच परसेंट नीचे तो अब जो है कल भी ये पांच परसेंट नीचे जाएगा लोअर सर्किट में तो आपका वैसे भी नहीं बिकने वाला है तो ट्राई मत कीजिए बल्कि नीचे के रेट पे और अकोमुलेट करना चाहते हैं तो अकोमुलेट कीजिए नीचे वाले रेट पे अभी नहीं एक दो दिन रुक करके और अपना एवरेजिंग कीजिए जिनके पास है ऑलरेडी शेयर उनको मैं यही कहना चाहूंगा या तो एवरेजिंग कीजिए या तो रुके रहिए लेकिन जिन्होंने अभी एंट्री नहीं बनाई है या जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये ग्यारह बारह रुपए या तेरह रुपए के नीचे ग्यारह से तेरह के बीच में ये अच्छा बाइंग है आप इसको ले सकते हैं उसके बाद आज इसके अंदर लोगों ने अच्छी पोजिशनिंग भी बनाई है ये देखिए मैं एन एस के साइड पे दिखा रहा हूं आपको आज तैतालीस परसेंट का इसके अंदर जो है सो हुआ है वैसे मैं पचास परसेंट से ऊपर वाले को अच्छा मानता हूँ लेकिन फिर भी आज इसके अंदर ये देखिए आप इसके अंदर आज जो ट्रेडिंग हुआ है वो हुआ है क्वांटिटी सताइस करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार एक सौ उनसठ शेयर जो है ट्रेड हुआ है उसमें से तैतालीस यानी कि बारह करोड़ दस लाख शेयर का जो है वो लोगों ने डिलीवरी ली है तो अब मोटा मोटी लोग इसके अंदर डिलीवरी भी ले रहे हैं मतलब पोजीशन बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है तो तैतालीस परसेंट आप यहां देख रहे हैं उसके बाद बीएससी पे आइए देखिए बयालीस परसेंट बी पे भी है तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है यानी कि लोगों ने जो है अब इसके अंदर

न्यूज आया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये लाइव का न्यूज है और ये न्यूज है आपका चौदह अगस्त का इसमेंट इसमें शेयर जो है वो लिया था 16 करोड़ शेयर जो है यस बैंक का लिया था अब आप सोचिए एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड एच डी एफ सी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है नंबर वन बैंक आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ इसका ऑपरेशन लोन जो है सो डिस्बर्समेंट हर चीज देख लीजिए आप एच डी एफ सी का तो इस म्यूचुअल फंड ने अगर 16 करोड़ शेयर यस बैंक का लिया है और म्यूचुअल फंड जो है वो जल्दी से किसी भी आ, मतलब स्टॉक में अपना आ, पोजीशन नहीं बनाती है जल्दी भी इन्वेस्ट नहीं करती है क्यों क्योंकि वो उनके पास पब्लिक का पैसा होता है हम आप तो अपना पैसा लगाएंगे और डूबेगा तो भाई हमारी गलती से डूबा तो हमें कोई दूसरा आदमी दोष देने वाला नहीं है क्यों क्योंकि हमने ही नुकसान करा तो अपने पैसे का करा कोई दूसरा हमें बोलेगा नहीं लेकिन एच या कोई भी म्यूचुअल फंड जब पैसा लगाते हैं तो इनको पब्लिक को जवाब देना होता है तो ये बहुत सोच समझ कर और इनके पास फंड मैनेजर फंड एडवाइजर होते हैं प्लानर होते हैं इनके पास काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं इनके पास काफी रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं कहा किस कंपनी का कितना ग्रोथ है आने वाले टाइम में किस में कितना परसेंट जो है हमें रिटर्न मिल सकता है किसका ऑर्डर बुक क्या है ऑर्डर बुक वैल्यू क्या है ये सारा कुछ देख के लगाते हैं तो अगर एच डी एफ सी ने इसके अंदर लगाया होगा और ये लॉन्ग टर्म आपको भी पता है एच डी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाते हैं तो इन्होंने 16 करोड़ लिया है और सबसे बड़ी बात है अगर मैं नीचे दिखाऊंगा आप ताजुब करेंगे कि इन्होंने जो पैसा लगाया है ये देखिए ये जुलाई में ये देखिए इन्होंने पचहत्तर लाख शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का सेल करके लगाया आप ये देखिए यानी कि लॉन्ग टर्म में ये रिलायंस इंडस्ट्री को उतना नहीं देख रहे हैं जितना ये यस ये बैंक को देख रहे हैं देखिए बहुत मार्क करने वाली बात है आपको पता है कि इस पैनेडेमिक में इस आ, कोरोना आ, के टाइम में सारे शेयर जहां धराशायी हो रहे हैं वहां रिलायंस ने आपने देखा होगा मार्च में रिलायंस 9 900 समथिंग तक गया था और अभी ये इक्कीसो बाईसो भी टच कर गया तो जहां सारे शेयर नीचे जा रहे हैं वहां रिलायंस सबसे ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है और उसके बाद भी जो है रिलायंस का इन्होंने शेयर बेच दिया सोचो आप और ये यस बैंक में एंट्री ले, ले ली इन्होंने तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कुछ सोच समझ के तो लिया होगा क्योंकि इन्हें हो सकता है कि पांच छह महीने में या एक साल में जो वैल्यूएशन यस बैंक का नजर आ रहा होगा वो इन्हें रिलायंस में नजर नहीं आ रहा होगा तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो यस बैंक को इवेल्युएट करना चाहते हैं उनको काफी आसानी होगी ये मिस्टर प्रशांत जयंत का जो है वो ये स्टेप देख करके कि इन्होंने जो सोलह करोड़ का शेयर लिया येस बैंक में ठीक है और एक चीज दिखाता हूं यस बैंक को में सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये देखिए ये जो है ये भी सोलह तारीख का न्यूज आया है और ये आया है द हिंदू बिजनेस में द हिंदू बिजनेस लाइन में आया है ये क्या है इसमें सरकार ने कहा है ये देखिए यस बैंक लाइक रेस्क्यू प्लान नॉट पॉसिबल फॉर पीएमसी बैंक ये जो आप देखना ये बैंक में जो हुआ था घोटाला आपको पता है तो सरकार ने यह कहा कि यस बैंक में जो हमने रेस्क्यू प्लान बनाया था वो पीएमसी बैंक में पॉसिबल नहीं है इसी से आप समझिए कि यस बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है सरकार के नजर में क्योंकि सरकार ने एस को डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर दिया था वित्त मंत्रालय ने या कि भाई तुम जाओ जाकर के इसको संभालो इसको ये चीज करो ठीक है तो ये देखिए इसमें इसने कहा कि द रेस्क्यू बैंक ऑफ इंडिया हैज इनफॉर्म्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द केस ऑफ पीएमसी बैंक बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन रूल गवर्निंग बैंक्स ठीक है तो ये नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि यस yes बैंक पे सरकार की जो है वो काफी नजर है कृपा दृष्टि भी है तो इस बैंक को और सबसे बड़ी बात है सरकार की नजर है या ना है सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो प्राइस जो है वो धीरे धीरे वो बारह तेरह पे खरीदने लायक है तो बारह तेरह पे आप इसमें दोबारा होल्डिंग आप बना सकते हैं होल्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम में जो है ये आपको चाहे ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से या लंबा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है इसलिए इसमें जिन्होंने 16 सत्रह सत्रह अठारह पे लिया हुआ है सोलह सत्रह पे लिया हुआ है वो थोड़ा सा अभी पैनिक है तो वो होल्ड करें जिन्होंने नहीं लिया है वो थोड़ा सा वेट करें और एक अच्छे वैल्युएशन के बाद तेरह रुपए आदने के साथ वो लेना धीरे धीरे स्टार्ट करें और ये इनको शेयर अच्छा फायदा दे सकता है बाकी इसके अलावा मैं अभी बैंकिंग सेक्टर से आप लोग मतलब मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो है वो रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा और इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है इसमें मैं किसी भी इक्विटी में या यस या बैंक में शेयर खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार जय हिंद जय भारत बंदे मातरम